हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने आज मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और नया टॉपिक बताने वाला हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर ह्यूमन हेल्थ के बारे में। ये जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा जो ये नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, STD के बारे में। तो STD जो होती है वो सामान्यतः क्या होता है, जिसे हम यौन संचरित रोग भी कहते हैं। तो सामान्यतः जो क्या होता है, सेक्सुअली रोग जो होते हैं वो जो किसके अंदर पड़े जाते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर पड़े जाते हैं। और ये क्या होता है, जो भी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट के अंदर आता है तो उनके अंदर ये रोग होने के क्या होते हैं, चांस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो रोग जो होता है, उस रोग का नाम है सिफिलिस। तो जो सिफिलिस जो रोग है वो जो किससे होता है, ट्रिपोनोमा पैलेडियम जो क्या है, एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्राइकोमोनियसिस, तो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, जो क्या है, एक फ्लैजलेट प्रोटोजोआ है, उसके द्वारा क्या होता है, ट्राइकोमोनियसिस एक प्रकार की जो एसटीडी या फिर डिजीज है वो होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेमाइडियोसिस, जो किससे होती है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, जो एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, ये इसके द्वारा ये रोग होता है। और ये जितने भी रोग है ये क्या होते हैं, असुरक्षित यौन संबंध जो इंटरकोर्स जो होते हैं असुरक्षित होते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, जिस अननोन पर्सन के साथ में अगर कोई रिलेशन बनाता है तो उसके कारण ये क्या होता है, सेक्सुअल रिलेशन के कारण ये रोग होते हैं। तो उसके बाद में अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का वायरस होता है, उसके द्वारा ये रोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनाइटल हर्पीज की, तो जो जेनाइटल हर्पीज जो डिजीज है वो किसके द्वारा होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा जेनाइटल हर्पीज होता है। नेक्स्ट जो होता है वो जेनाइटल वार्ट्स होता है, वो किसके द्वारा होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। एंड उसके बाद में सबसे कॉमन और एक रोग जो होता है या फिर डिजीज जो होती है वो है गोनोरिया। आप सबने इसका नाम सुना भी होगा, अगर किसी ने ये नाम नहीं सुना है या फिर सुना है तो वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है नाइजेरिया गोनोरिया, जो एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट हम उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोग होते हैं या फिर कॉमनली जो सबसे ज्यादा होने वाला जो डिजीज है उसे हम क्या बोलते हैं, एड्स भी कहते हैं। वो किसके द्वारा होता है, वो एक वायरस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स में तो HIV कहते हैं, जिसे हम नॉर्मली अगर पूरा नाम पढ़े तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो क्या करता है, मानव के अंदर जो प्रतिरक्षा जो होती है उसको क्या कर देता है, ये जो एड्स उसको बिल्कुल कम कर देता है, जिसके कारण जो सामान्य से भी कोई भी बैक्टीरिया होता है वो हमारे शरीर को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या पढ़ा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ा है। तो इसको अगर रोकने का सिंपली से सिंपली तरीका यही है कि सबसे पहले अननोन पर्सन से ज़्यादा सो लोग क्या करते हैं, अधिकांश जो किसी और मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं उनके साथ में अगर ये कोई सेक्स रिलेशन बनाते हैं तो उसको ये कम करना है। उसके बाद में जितने भी होता है तो उसके टाइम प्रोटेक्शन जितने भी होते हैं उनका क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।